गायघाट प्रखंड क्षेत्र की यह हालात है। लदर पंचायत की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वार्ड संख्या 5 का यह मामला है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बताते हैं कि यह चचरी पुल के बाद उस पार मंदिर भी है और करीब 3000 लोगों की आबादी भी है, लिहाजा लोग परेशान है। इधर से उधर जाने वाले लोगों को खासतौर से परेशानी होती है, खासकर छोटे बच्चों एवं वृद्धों को इस होकर जाने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों की जिंदगी इस चचरी पुल के सहारे अब भी निर्भर कर रही है। करीब 1000 फीट में सड़क का निर्माण नहीं कराया गया, लिहाजा यहां बांस बल्लों से चचरी पुल बनाकर लोग आवागमन बहाल किए हुए हैं। इन तमाम बातों की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को रहने के बावजूद इस पर कभी किसी ने गंभीरता से काम नहीं किया, लिहाजा लोग परेशान हैं। यही तो देख रहे हैं, आने जाने में परेशानी है। यही चचरी पुल तक चलना पड़ता है, इसी में पैर फंस जाता है, आदमी गिर जाता है। कब से आप देख रहे हैं? कब से? तो हम तो 10-12 साल से तो देख ही रहे हैं। वार्ड के मुखिया के सरपंच के सबके कहते हैं, बस वो लोग देख के अपना चला जाते हैं। उसको आगे क्या करता है सो ही जाने। ये कौन सा गांव हुआ? ये सवास। पंचायत कौन सा हुआ? लदर पंचायत है। वार्ड नंबर 5 है। चलने में बाढ़ में दह जाता है, रोड अवरुद्ध हो जाता है, तो ग्रामीण के सहयोग से ये चचरी बना है। इस पर होकर के अभी आवागमन चालू। कितने महीना आप लोग चचरी पर चलते हैं? 6 महीने। कोई व्यवस्था? जल निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं। नहर था इसका, लेकिन यहाँ प्राइवेट आदमी का जमीन था, वो बंद कर हेल करके जाता है, रोड पकड़ता है। कितना दूर में ऐसा दिक्कत है? 1000 फीट। बाढ़ में रोड बंद हो जाता है, ढहनाल एरिया है, और हम लोग लदौर पंचायत का रहने वाले आदमी हैं। ये वार्ड नंबर 5 में है। जनसंख्या वैसे 3000 है, लेकिन गांव 2 भाग में बटा हुआ है, एक बरवाड़ी पंचायत, दूसरा लदौर पंचायत। क्या नाम है आपका? आमोद झा। गायघाट प्रखंड क्षेत्र की यह हालात है। NH 57 से निकलती है यह सड़क जो कारी चौक तक जाती है। 100 मीटर में सड़क नहीं बनने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों को खासकर बरसात के दिनों में ज्यादा परेशानी होती है। बेरुआ पंचायत क्षेत्र का यह मामला है, जहां के लोग परेशान हैं। बरसात महीने आने जाने का दिक्कत हो रहा था। बरसात के समय ज्यादा दिक्कत होता है। पूरा दिखते है 4 लाइन से लेकर ग्रामीण वाला रोड हो गया। ढलाई है, इन्हें इतने दूर कच्ची है। वही, इतना दूर कच्ची रहने का वजह क्या है? वाह, उतने तक बलू पासे था, बलू एकदम नहीं पास है। गाड़ी के लिए रोकते हैं, जैसे मेरा खेत में जाते हैं। आपका नाम? नवल राय। NH 57 से जोड़ने वाली यह दूसरी सड़क है। आपको बता दें, लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का बताना है कि बरसात के दिनों में यहाँ ज्यादा परेशानी होती है। बेरुआ पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत यह दूसरी सड़क है, जहां के लोग परेशान हैं। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से लोगों में परेशानी के साथ अब नाराजगी भी बढ़ने लगी है। ये सड़क कहां से कहां जाती है? 4 लाइन से बेरुआ ग्रामीण रोड में मिलता है, बेरुआ वाला रोड में। अब तो गड्ढा, जहां तहां गड्ढा है। बरसात महीने तो चलने का यही रास्ते नहीं रहता है। किस समय ज्यादा परेशानी होता है? बरसात महीने। अभी छोटा गाड़ी वाला नहीं जा सकता है। बेरुआ पंचायत। क्या नाम हुआ? नवल राय। यह सड़क बेरुआ से धोबौली जाने वाली है, जो सोलिंग उखड़ने की वजह से परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग परेशान हैं, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। लोगों का बताना है कि इस मामले में कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि से शिकायत की गई, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। इस सड़क धोबौली से बेरुआ है, लिहाजा सब है, रोड़ा थोड़ा है, लोग चले में दिक्कत होता है। सोलिंग है सर, सोलिंग उखड़ रहा है। सब उखड़ पखड़ नहीं है। आप लोग मांग किए कभी इसको मरम्मत करने के लिए? मरम्मत करने के लिए तो कहता है, लोग सुनबे नहीं करता। धवोली पंचायत। गायघाट प्रखंड क्षेत्र का हालात बिजली विभाग के मामले में काफी बदतर है। पागा गोरियारी गांव का यह तस्वीर आप जहां देखिए, जहां विद्युत विभाग का पोल काफी खतरे का संकेत दे रहा है। पिछले 1 महीने से ऐसी हालात में है। लोगों का बताना है कि यह लगातार झुकता हुआ जा रहा है, और इस होकर विद्युत आपूर्ति भी की जा रही है। लोगों को बताना है कि ऐसे में खतरे की आशंका लगातार बढ़ रही है। पोल तो गिर रहा है, इसका 15 दिन हो गया था। ऐसा ही है, हम जैसे लगातार 5 दिन पर 4 दिन पर आते हैं यहाँ जी, तो जब भी 15-20 दिन से देख रहे हैं ऐसा ही है। पोल ये तो आता है जाता है, कोई भी हो, थाना वाला हो, कोई सी हो, उसको तो देखेगा ही इसमें इस तरह हो रखा है। कोई भी चीज हो, सेफ्ट चाहिए। खेती के नजदीक में है, मानिए अगर कोई बगार खेती या किसान जो है वो अगर कोई काम करने आए, अगर गिर गया एक चौक पे तो लोकसान का घर है।